दोस्तों, हमारे प्लेनेट पर बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जो अपने आप में ही रहस्यमयी हैं। आज हम दुनिया के साथ ऐसे रहस्यमयी स्थानों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वेल गाइस, द स्ट्रेंज मिस्ट्री की वीडियो में आपका स्वागत है। नंबर 7, एरिया 51। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के एयरफोर्स के अंदर आने वाले एरिया 51, जिसका संबंध एलियंस से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इस जगह को एलियंस की मौजूदगी को दुनिया से छिपाने के लिए बनाया गया था। दुनिया के लिए एरिया 51 बेहद रहस्यमयी जगह है और अमेरिकी सरकार के कई सीक्रेट्स भी इसी जगह से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने बताया कि वे एरिया 51 में जा चुके हैं। 2014 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वे एलियंस से बात कर चुके हैं। काफी समय पहले कई एलियंस की डेड बॉडीज की तस्वीरें इसी एरिया से सामने आई थी और इसी तस्वीर की वजह से लोगों में इस जगह को लेकर काफी खौफ है। आसपास के लोगों ने इस जगह यूएफओ को भी उड़ते हुए देखा है। कमेंट में बताएं कि आप एरिया 51 के बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 6, अलास्का की खाड़ी। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि धरती पर 70% हिस्से पर पानी है, जिसमें समुद्र, बर्फीली चट्टानें और नदियां सब आती हैं। और हमारी धरती पर ही 5 महासागर हैं जिनके शुरुआती और अंतिम छोर का पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। इनकी गहराइयों में न जाने कितने राज छिपे हुए हैं। बात करते हैं इन्हीं महासागरों से जुड़े रहस्य के बारे में। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कभी मिलकर भी आपस में नहीं मिलते। इनका पानी एक दूसरे में कभी मिश्रित नहीं होता। ऐसा लगता है मानो इन महासागरों के बीच कोई दीवार खड़ी हो। एक तरफ पानी का रंग नीला दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ हल्का गहरा हरा रंग दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। नंबर 5, इटरनल फ्लेम फॉल्स। ये दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है। एक ऐसा ही रहस्य 7 समुद्र पार अमेरिका में भी छिपा हुआ है। एक ऐसा ही कारनामा दिखाई देता है न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में। यहाँ इटरनल फ्लेम फॉल के झरने में साल भर पानी बहता रहता है। ये पानी का कभी सूखता नहीं है और पानी के अंदर एक आग की लौ हमेशा जलती रहती है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस झरने को लेकर आम लोगों में तरह तरह की कहानियां और मान्यताएं चली आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि आग की लौ के पीछे कोई देवीय चमत्कार है। ये कुदरत का अनसुलझा रहस्य है। लोग कहते हैं कि लौ तब बुझेगी जब धरती पर कोई महाप्रलय जैसी आपदा आएगी। नंबर 4, क्रूक्ड फॉरेस्ट। इस दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है। इंसान ही नहीं, प्रकृति भी समय समय पर अपने अजूबों से लोगों को हैरान करती रहती है। इसका उदाहरण पोलैंड का ये क्रूक्ड जंगल है, जिसे देखकर शायद ही कोई ऐसा हो जो हैरान न हो। यह जंगल दुनिया के बाकी जंगलों से काफी अलग है। ये अपने झुकावदार पेड़ों की वजह से जाना जाता है। पोलैंड का यह जंगल नोवे सजार नोवो गांव के पास स्थित है। इस जंगल की खासियत ये है कि यहाँ सभी पेड़ 90 डिग्री तक मुड़ने के बाद 3 से 9 फीट की ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और ये सभी पेड़ उत्तर दिशा की ओर मुड़े हुए हैं। इन पेड़ों को 1930 के दशक में लगाया गया। यहाँ के स्थानीय निवासी इन पेड़ों के रहस्यमय तरीके से झुकने का कारण दूसरे ग्रह से आए प्राणियों को मानते हैं। नंबर 3, ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारे डैम अथवा झरने देखे होंगे जो आकार में बड़े और ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वे अपना एक अलग स्थान रखता है। आप जानते ही होंगे कि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो दूसरे महाद्वीपों से बहुत ज्यादा ठंडा है और यहाँ पर चारों तरफ बर्फ के ग्लेशियर हैं। यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। इस महाद्वीप पर इंसानों का रहना नामुमकिन है। अंटार्कटिका में एक ऐसा झरना है जहाँ पानी नहीं बल्कि खून बहता है। यकीन मानिए, यहाँ बहने वाले पानी का रंग खून के जैसा गाढ़ा लाल है। इसी कारण इस झरने को ब्लड फॉल नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1911 में अमेरिकी जीव विज्ञान के साइंटिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने इसकी खोज की थी। ये झरना 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इस झरने से लाल रंग के पानी से बहने के पीछे कई कारण मशहूर हैं। ग्रिफिथ टेलर ने देखा कि यहाँ लाल रंग के पानी का झरना बह रहा था। उन्हें पहले लगा कि ये लाल रंग माइक्रोस्कोपिक लाल शैवाल की वजह से है, मगर साल 2003 में टेलर की शैवाल वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। नंबर 2, मैग्नेटिक हिल इंडिया। लेह कारगिल राजमार्ग पर लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा हिस्सा है जिसे चुंबकीय पहाड़ी कहा जाता है। इस पहाड़ी के बारे में यह धारणा है कि जहां अन्य किसी भी पहाड़ी से कोई गाड़ी गिरती है तो वह नीचे की ओर जाती है, और इस पहाड़ी में कुछ तो ऐसी बात है जो गाड़ियों को ऊपर की ओर खींचती है। इसे मिस्ट्री हिल भी कहा जाता है। यदि किसी कार को बंद इंजन के साथ यहां छोड़ दिया जाए तो गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आसानी
से ऊपर की ओर लुढ़क सकती है। यही वजह है कि लोग इसे मिस्ट्री हिल या ग्रेविटी हिल के नाम से पुकारते हैं। कई वैज्ञानिक इस रहस्य की गुत्थी को अपने अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न कर चुके हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग आज भी विज्ञान की इन बातों पर विश्वास नहीं करते। ग्रामीण लोग कहते हैं कि एक समय पर यहाँ एक सड़क मौजूद थी, जो लोग स्वर्ग जाने के काबिल थे उन्हें सीधे स्वर्ग ले जाया जाता था, और जो काबिल नहीं थे वे वहाँ पहुँच ही नहीं पाते थे। आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1, ससेक्स इंग्लैंड। दोस्तों, आपने किसी शहर या किसी देश की अंतिम छोर या फिर उसकी जमीन को बाउंड्रीज के रूप में देखा होगा। दोस्तों, हमारी धरती गोल है, लेकिन आपने ये कभी सुना है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे धरती का अंतिम सिरा माना जाता है? हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड में स्थित ससेक्स नामक जगह की। इसकी जमीन की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और इससे आगे केवल समुद्र है, और उसके ऊपर समय समय पर बादल छाए रहते हैं। इस जगह को एंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई डिप्रेस्ड लोग आत्महत्याएं भी कर चुके हैं, इसलिए इसे डेड लैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं। वे देखते रहते हैं कि यहाँ कोई सुसाइड एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं और उनको इस जगह को देखकर काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि इससे आगे जा पाना नामुमकिन है और इससे आगे जमीन खत्म हो जाती है। क्या आप भी इस जगह को देखना पसंद करते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।